सो हे गाइज, इट्स मी मास्टर गेमिंग बॉय एंड वेलकम बैक इन न्यू माइनक्राफ्ट वीडियो। तो आज हम दोबारा खेलने वाले क्रेजी एसएमपी में। जैसे कि तुम लोग को याद होगा, लास्ट एपिसोड में हम लोग ने बनाए थे आयरन फार्म, और अपने इस एपिसोड का गोल अपने को कैसे भी नेदर पोर्टल स्टार्ट करना है। तो मैं तुम लोग को सब कुछ अच्छे से बता देता हूँ क्या करना है। पहले एक बार मैं नीचे चले जाऊँ। अगर तुम लोग फर्स्ट एपिसोड से ये वीडियो फॉलो करते होंगे तो तुम लोग को याद होगा अपने स्पॉन के पास ही एक नेदर पोर्टल था जो कि डिस्ट्रॉय था। वो अपने को आज कैसा भी कंप्लीट करना है, और अपने को इंचार्टमेंट टेबल भी बनाना है। उसके लिए अपने को डायमंड लाने भी जाना पड़ेगा। तो मैं आयरन फार्म के ऊपर AFK हूँ। अपने को आयरन की भी ज़रूरत है पिकैक्स बनाने के लिए। तो गाइज, मैं काफ़ी देर से खड़ा था आयरन फार्म पे, बट आयरन फार्म बहुत ही स्लो वर्क कर रहा है। तो अपने को शायद से इतने ही आयरन में काम करना पड़ेगा। और जल्दी जल्दी चलते हैं हम डीप में, और वहाँ पे अपने को -52 पे जाना है। तो वहाँ पे अपने को डायमंड मिलने लग जाएंगे। ओके गाइस, तो डायमंड अपने को इधर ही मिल चुके हैं 2। तभी अपने को इंचार्टमेंट टेबल बनाना है, तो मैं ऊपर चलता हूँ फटाफट से। तो गाइस, हम लोग जा ही रहे थे ऊपर, हम लोग को मिल गए यहाँ पे 3 डायमंड। तो अपनी डायमंड की पिकैक्स भी बन के रेडी हो जाएगी। तो गाइस, अभी अपन चलते हैं अपने विलेज के पास। तो हम लोग विलेज से बहुत ज़्यादा दूर आ गए लावा पुल ढूंढने के चक्कर में, और लावा पुल लिटरली हम लोग के विलेज के आसपास है ही नहीं। किधर पे भी लावा पुल है ही नहीं हम लोग के विलेज के आसपास। तो अपने को लावा पुल तो मिल नहीं रहा है। यहाँ पे एक और रूइन पोर्टल है, इसको ही मैं ऑब्सीडियन तोड़ के फटाफट से लेके जाते अपने विलेज के अंदर, और वहाँ का रूइन पोर्टल करते हैं कम्प्लीट। डायमंड पिकैक्स डन। तो गाइस, फटाफट सारे ऑब्सीडियन तोड़ के मैं मिलता हूँ तुम लोग से 2 मिनट में। ओके गाइस, तो अपने पास हो चुके पूरे 30 ऑब्सीडियन। तो फटाफट से इसको अपन लेके चलते हैं अपने स्पॉन पॉइंट के रूइन पोर्टल के पास, और रूइन पोर्टल करते हैं कंप्लीट। ओके गाइस, तो रूइन पोर्टल कंप्लीट हो चुका है, बस इसको चार्ज करना है। तो फटाफट से मैं इसको चार्ज कर दिया। ओके गाइस, तो ये हो चुका है अपने फर्स्ट SMP का फर्स्ट पोर्टल, जो कि इसको ना कोई तोड़ेगा और ये स्पॉन पॉइंट के भी एकदम करीब है। तो गाइस, आज का अपना एक चैलेंज तो कंप्लीट हो चुका है। अब अपने को बढ़ना है अपने सेकेंड चैलेंज की तरफ, जो कि अपने को निकालना है Fortune 3 एक विलेजर से। तो गाइस, अपना सारा डायमंड का टूल और डायमंड जा चुका है, अपना आर्मर भी जा चुका है, क्योंकि मैं गया था वापिस से नेदर में, और वहाँ जाके मैं मर चुका हूँ फिर से। तो गाइस, ये सब तो होते रहता है, बट अभी अपने को निकालना है Fortune 3। तो अगर तुम लोग को याद होगा तो अपन देखे थे सवाना बाय में बहुत सारे बुक शेल्फ रखे, तो मैं फटाफट से जाता हूँ सवाना बाय में और लेके आता हूँ वहाँ से बुक शेल्फ। तो गाइस, आ चुका हूँ मैं सवाना बाय में, एंड आई थिंक एकदम लास्ट वाले घर के अंदर ही बुक शेल्फ रखे है। तो जाता हूँ फटाफट से, मैं लेता हूँ और जाके वहाँ पर बनाता हूँ एक लाइब्रेरियन। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे लाइब्रेरियन बना तो दिया हूँ। अब देखते हैं क्या इंचार्टमेंट देता है और कितनी देर बाद अपने को देगा ये Fortune 3। भाई कौन सी ट्रेड है दिखा जरा, बुक है अरे यार Power 2 की अभी ज़रूरत नहीं, हम लोग को सिर्फ अभी ज़रूरत है Fortune 3 की। तो गाइस, अभी मेरे को लगने वाला है बहुत टाइम, तो मैं मिलता हूँ तुम लोग सीधा Fortune 3 बुक निकाल के। तो गाइस, इसने Fortune 3 तो नहीं दिया, मेंडिंग दे दिया इसने, तो मैं मेंडिंग को चेंज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेंडिंग भी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो मेरे को एक और लेक्टर बनाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद करना पड़ेगा लाइब्रेरियन को, और मेरे को लगने वाला है इसके अंदर बहुत टाइम। तो मिलता हूँ मैं तो मुझे सीधा Fortune 3 निकालने के बाद। तो गाइस, फाइनली अपने को मिल चुकी है Fortune 3, वो भी 34 एमलेट में। तो फटाफट से मैं फ्रेचर को बनाता हूँ, उससे स्टिक ट्रेड करता हूँ और एमलेट जमा करता हूँ। ऑगी भैया गए कोल जमा करने, तो मैं काम करता हूँ ये पेड़ को साफ कर देता हूँ यहाँ से। तो गाइस, ये पेड़ हो चुका है साफ, एक काम करता हूँ मैं जाके पहले सो जाता हूँ। तो गाइस, Fortune 3 लगाने के लिए पिकैक्स के अंदर हम लोग को लगेगा एनविल, और एनविल बनाने के लिए आयरन लगेगा, और आयरन फार्म हम लोग का वर्क ही नहीं कर रहा ज़्यादा अच्छे से। तो हम लोग जा रहे हैं आयरन माइनिंग पे। तो यहाँ पर है आयरन, में ढेर सारा आयरन जमा करके मिलता हूँ तुम लोग सिर्फ 2 मिनट में। व्हाट, कौन मारा भाई मेरे को? ओ भाई, वन ऑफ द रेयरेस्ट मॉब आ चुका है।
ओके गाइस, तो मैं वुड से स्टिक बना के फटाफट से इसको ट्रेड करता हूँ और मिलता हूँ तुम लोग से सिर्फ 2 मिनट में। ओके गाइस, तो ये फ्लेचर मेरे को 10 ग्रेवल के बदले फ्लिंट देने वाला है, तो मैं फटाफट से जा के 10 ग्रेवल लेके आ जाता हूँ क्योंकि अपने को और फ्लेचर की जरूरत है। ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ सारे फ्लिंट लेके, उससे ट्रेड भी कर दिया मैंने। अब फटाफट से मैं स्टिक बना देता हूँ और एक काम करता हूँ, जॉब ब्लॉक एक और बना देता हूँ। मेरे को एक और फ्लेचर बनाना पड़ेगा स्टिक ट्रेड करने के लिए, तो मैं फटाफट से लोग से स्टिक ट्रेड कर देता हूँ। तो गाइस, सारे स्टिक ट्रेड करने के बाद अपने पास हुए 1 स्टैक और 3 एमरल्ड। आई नो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा है क्योंकि आज ऑगी भैया है नहीं, तो मेरा खेलने का मन नहीं कर रहा है। और अपन नेक्स्ट एपिसोड में चल जाएंगे डायमंड माइनिंग पे, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पक्का डायमंड का आर्मर कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए तो इतना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारा फेवरेट पार्ट भी कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।